Assalamu alaikum. This lecture is about communication of invertebrates, या nervous system of invertebrates. इस chapter के first lecture में हमने देखा nerves और neurons को, ठीक है. Nervous system का जो major component है, these are the neurons, ठीक. Neuron में हमने उसका structure को देखा, different types को देखा, उन different type के न्यूरॉन के फंक्शन को देखा. फिर हमने ये देखा कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन से एक्टिव कंडीशन में कैसे जाती है, रेस्ट फेज से एक्टिव फेज में कैसे जाती है, ठीक है. आयन कैसे मूव करते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, और जो एक्शन पोटेंशियल है वो वेव की मूवमेंट में कैसे मूव करता है, साइनैप्स क्या है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट क्या है, और लास्ट में हमने देखा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. तो ये जो थी ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था नर्वस सिस्टम के बारे में, कि नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन क्या है, ठीक. अब हम देखेंगे कि इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम कैसा है. देयर इज नो रियल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ एंड स्पॉन्जेस, बट कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई डू अकर. उनमें कोई रियल या ट्रू नर्वस सिस्टम नहीं होता कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, और जो स्टिमुलस है उसका रिस्पांस शो करते हैं, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, ठीक. जैसे कि उनको अपने सीलिया को बीट करने के लिए और फ्लेजेला को मूव करने के लिए, जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी चेंज होती है, हाई होती है, लो होती है, तो उस तरफ वो मूव करते हैं ना, अपनी सीलिया की, अपने फ्लेजेला की मूवमेंट उस तरफ कर लेते हैं. तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्टिमुलाई जाता है लाइट का, वो उसका रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. ये एक एग्जांपल है कि उनमें नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन वो अपने आउटर साइड स्टिमुलस का रिएक्शन शो करते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं. तो वो एनिमल्स, सिर्फ वो एनिमल्स जिनमें जिनकी कंपोजिशन या जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तक होती है, उनमें नर्वस सिस्टम, ट्रू नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट होता है. तो इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सी नाइडेरियंस, जिसमें सी अर्चन्स और हाइड्रा और जेलीफिश वगैरह आते हैं, उनका सेंस ऑर्गन या उनका नर्वस सिस्टम कैसा है. सी नाइडेरियन हैव सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव डिफ्यूज नॉन सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम विच इज़ नोन एज नर्व नेट. अब नर्वस सिस्टम जो है इनका सेंट्रलाइज नहीं होता, कहीं भी हो इनका जो एक जाल की तरह का नर्व का नेट बिछा होता है पूरी इनकी बॉडी में, एक नेट की तरह का एक जाल बिछा होता है, ठीक है, जो कि इनको इनमें एज अ नर्वस सिस्टम यूज होता है. एक डिफ्यूज फॉर्म है नर्वस सिस्टम की जो कि नेट फॉर्म में है, और ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को एक एरिया से या एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट. इनका इनमें जो नर्व कंडक्शन है, ये नर्व इम्पल्स बाइलेटरल होती है, ठीक. फॉर एग्जांपल अगर स्टिमुलस आ रहा है तो वो स्टिमुलस नर्व इम्पल्स को बॉडी की हर डायरेक्शन में मूव करा देगा, स्प्रेड कर देगा, ठीक है. कहीं भी बॉडी के साथ कोई चीज़ टच हुई है या कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस बॉडी ने फील किया है किसी भी पार्ट में, तो वो स्टिमुलस नर्व इम्पल्स बॉडी के ऑल ओवर दी बॉडी स्प्रेड कर देगा नर्व इम्पल्स को, ठीक है. जेलीफिश में जो ये नर्व नेट है वो उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है, स्लोली स्विम करती है जेलीफिश, और उसकी बॉडी को अपलिफ्ट या अपराइट करने में, ड्यूरिंग स्विमिंग उसकी बॉडी को अपराइट करने में हेल्प करता है. नर्वस सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म्स में आ जाते हैं सी कोकम्बर, सी स्टार. इनमें भी जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट का ही बना होता है, लेकिन सी नाइडेरियन से इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी कंपोजिशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. सी नाइडेरियन में हमने देखा था कि सिर्फ नर्व का नेट होता है जो उसकी थ्रू द बॉडी फैला होता है, ठीक है. लेकिन इसमें जो नर्व नेट है वो तीन तरह के रीजन में होता है. फर्स्ट रीजन जो है उसकी स्किन के नीचे डिस्क और आर्म के एरिया में होता है, ठीक है. वहाँ पर रेडियल लाइंस होती हैं, लंबी लाइंस होती हैं, इस डायग्राम से आपको समझ आएगी. जेलीफिश में अगर हम सी स्टार की बात करें तो इसकी स्किन के नीचे, ये इसकी अंडर द स्किन साइड का वीएन है, ठीक है. तो उसमें लेटरल लाइन में ये रेडियल लाइन में है, ठीक है.
सॉरी ये वाली रेडियल लाइन। सेकेंडली उसकी स्किन के दरमियान में जो प्लेट्स हैं जिनको ऑसिकल कहते हैं उनमें है, ठीक है। और इसके यहाँ पे जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इनकी आर्म में ट्यूब फीड्स होते हैं, एम्पूला होते हैं, तो जो ट्यूब फीड यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें नर्व नेट बिछा हुआ है, ठीक है। कहाँ है? एक तो रेडियल लाइन में, तमाम आर्म्स की रेडियल लाइन में और डिस्क में, ठीक है। फिर इनकी ये जो ऑसिकल प्लेट्स हैं उनमें, और थर्ड वन उनके फीड्स में नर्व नेट बिछा होता है। और दिस डिग्री ऑफ नर्व नेट कॉम्प्लेक्सिटी परमिट लोकोमोशन में हेल्प करता है, यूजफुल रिफ्लेक्ट एक्शन में है हेल्प आउट करता है, उसको कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी प्लेटीहेलमिंथस और निमाटोड्स या निमर्टिया जो फाइलम है उनमें सेंस ऑर्गन या नर्वस सिस्टम का कैसा होता है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं फ्लैटवर्म की। फ्लैटवर्म नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड विद लैडर लाइक क्रॉस कनेक्शन। इसमें जो नर्वस सिस्टम या नर्व्स होती है ना वो सीढ़ी की तरह का उन्हें जाल बिछा होता है, जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो सारा आपको येलो कलर की डायग्राम में ये एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नर्व्स बिछी हुई हैं, ये सारे इसकी नर्व नेट्स हैं, लैडर लाइक कनेक्शन बना देती हैं, ठीक। और इनका ये जो ब्रेन है ये मैस ऑफ गैंग्लिया है, ठीक है। ब्रेन एक नर्व्स के गुच्छे को या नर्व सेल्स के या गैंग्लियन सेल्स के इकट्ठा हो जाने को ये मैसी गैंग्लियन सेल्स को कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। इनमें ब्रेन नहीं होता बल्कि गैंग्लिया होता है, तो ये ब्रेन की जगह पर ब्रेन का काम करते हैं, ठीक है। द ब्रेन इज मैस ऑफ गैंग्लियन सेल लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द एनिमल। मोस्ट प्लेटफॉर्म हैव सेंसरी मोटर और एसोसिएशन या इंटर न्यूरोन में होते हैं इन्हें, और ये फर्स्ट फाइलम है इन वर्टिब्रेट में अगर एवोल्यूशनरी प्रस्पेक्टिव से देखा जाए कि उनमें ये सेंसरी मोटर और इंटर या एसोसिएटेड न्यूरॉन पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म हैज स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन कीमोफोर होते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं फूड को लोकेट करने के लिए। इनके ऑसिकल और स्टेटोसाइट्स होते हैं, रियोफोर्स होते हैं जो इनको वाटर करंट कहाँ है या वाटर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन ये वाटर को सेंस करने में या वाटर को सेंस करने में हेल्प करते हैं। फिर इनके जो टेंटिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो इनके सॉरी टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकी ऑल ओवर दी बॉडी स्प्रेड हुए होते हैं। ट्यूबुलेरियन कहते हैं जिनकी ट्यूबलाइट बॉडी होती है, लाइक अर्थ वर्म, लाइक फ्लैट वर्म और राउंड वर्म, ठीक है, जिनकी ट्यूबलाइट बॉडी होती है। तमाम ट्यूबुलेरियन के बॉडी के ऊपर ऑल ओवर दी बॉडी टैक्टाइल रिसेप्टर होती है। टैक्टाइल रिसेप्टर क्या करते हैं? टच को, किसी भी चीज़ के टच को सेंस करते हैं, ठीक है। तो ये के सकर्स पे होते हैं, फ्लॉक्स जो हैं उनके सकर्स पे होते हैं क्योंकि उन्होंने सक करना होता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। स्कॉलेक्स टैपवर्म के स्कॉलेक्स पे होते हैं, टैपवर्म के स्कॉलेक्स का भी सेम फंक्शन है जो सकर का फंक्शन होता है, ठीक है, ये अपनी फूड को सक करते हैं। नेक्स्ट है जी नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ऑफ मोलस्का। ऑर्डर मोलस्का, मोलस्क में आ जाते हैं शैल वाले और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। इन मोस्ट मोलस्क द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ लार्ज गैंग्लिया रिंग अराउंड द डाइजेस्टिव ट्रैक एट द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। टू पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड arise from these interior ganglion. The nerve cord are located laterally and have ladder like cross connection. इसमें भी सेम पैटर्न होता है जो कि अर्थवर्म में है, जो कि राउंड वर्म में, ठीक है, सेम पैटर्न होता है। मोलस्क में भी लैडर लाइक नेटवर्क नर्व्स नेक का नेटवर्क बिछा होता है, लैडर लाइक जो होता है क्रिस क्रॉस पैटर्न में। और इसमें जो दो तरह दो पेयर्स में होते हैं गैंग्लिया, लॉन्गिट्यूडनल और वेंट्रिकल, ठीक है।
और ये कहाँ होते हैं? थ्रू आउट दी बॉडी नहीं होते, बल्कि जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्रैक है बॉडी के एंटीरियर एंड पर, जो जहाँ पर उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। स्कैलोपोड्स भी ऑर्डर मोलस्का में आ जाते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली डिवेल्प होता है। स्कैलोपोड्स हैव द हाईएस्ट नर्वस सिस्टम डिवेलपमेंट ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स। मोस्ट ऑफ द गैंग्लिया इन द स्कैलोप्स are located in the extreme anterior end of the animal. Ganglia interconnected into the lobes of large brain. इनमे brain होता है। अर्थवर्म में आपने कहा था कि brain जो है वो mass of ganglion है, लेकिन जो scalopods है इनमें एक large brain होता है और जो ganglia है वो आपस में interconnect है, ठीक है। इनके scalus या head के range में ganglia जो है वो लोकेट होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं और वो इंटर कनेक्ट होते हैं जो उनका ब्रेन है उसके साथ, ठीक है। और इसमें लार्ज ऑप्टिक नर्व होती है जो कि इनकी आई के साथ कनेक्ट होती है और ये वीएन के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इनकी जो आईज होती हैं वो कंपाउंड आईज होती हैं, ठीक है। कंपाउंड आईज के साथ इनके जो ऑप्टिक नर्व हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है, लिंक होते हैं। और ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ये कम्युनिकेशन अपने वीएन के थ्रू करते हैं, ठीक। सेफेलोपॉड में बिहेवियरल रेप्टिट्रायर होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड्स हैं जो कि इनके बिहेवियर को, जिनके मूड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये अपने इनके वजह से ये अपने प्रीडेटर से स्कैप करते हैं, ठीक है। स्कैप का बिहेवियर शो करते हैं, कैमोफ्लेज एबिलिटीज आती हैं, या मिमिक्री करते हैं, मतलब नकल करते हैं किसी चीज़ की, अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, किसी पत्थर जैसे कलर में आ जाते हैं, ठीक है, या किसी स्टोन के साथ चिपक के स्टोन लाइक मिमिक करते हैं, ठीक है, नकल उतारते हैं, जस्ट लाइक अपीयरेंस लाइक अ स्टोन, ठीक है, जो स्कैप बिहेवियर शो करते हैं किसी भी प्रीडेटर से बचने के लिए। और दे कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स मेमोरी, ठीक है। इनके जो मेमोरी है, कोई बात या कोई इवेंट या कोई प्रीडेटर या अपना ट्रैक को ये अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट है दी एनेलिड्स। सेगमेंटेड बॉडीड एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी लॉन्गिट्यूडनल बॉडी होती है और सेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसा आप डायग्राम में देखते हैं, इसे सारे जो एनिमल्स हैं वो सेगमेंटेड बॉडी। द नर्वस सिस्टम ऑफ एनेलिड इज सिमिलर इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लैडर लाइक system of flatworm, but it is more centralized and has longitudinal nerve cord. ये centralized है और इसमें longitudinal nerve cords हैं, तो ladder like ही, लेकिन जो इसमें longitudinal nerve cords भी हैं। The basic nervous system plan is consists of a pair of dorsal cerebral ganglia at the interior end and one or more ventral longitudinal nerve cord by the connective ring that encircle the foregut. अब ये गट है, इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ये इनका longitudinal dorsal vertebral है, ठीक है, और ये इनके जो ventral nerves हैं जो कि connective ring की में जो इनकी digestive foregut है उस रीजन के अराउंड इन्होंने कनेक्टिव रिंग बनाई होती है। एनेलिड है वेल डेवलप्ड सेंसरी रिसेप्टर, इनमें भी सेंस, इस चीज़ को सेंस करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, इंटर मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है दी आर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट्स में भी सेम लाइक एनेलिड का ही की तरह का ही नर्वस सिस्टम होता है। ये तमाम जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनमें किसी भी स्पेशलाइज या कॉम्प्लेक्स किस्म का नर्वस सिस्टम नहीं है। सबकी जो एक जो कंपोजिशन का पैटर्न है, जो वर्किंग पैटर्न है, वो सेम है, लैडर लाइक है, लेकिन बस ये है कि किसी में जो नर्व कॉर्ड्स हैं या गैंग्लियन है, किसी में गैंग्लियन है, ठीक है, ब्रेन की बजाय गैंग्लियन है, मैस ऑफ गैंग्लियन को एज अ ब्रेन ही कंसिडर किया जाता है। किसी में वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड्स हैं, किसी में वेंट्रल भी हैं और डॉर्सल भी है, और किसी में वो गट के अराउंड हैं
और किसी में किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो है वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हुआ हुआ, ये नर्व है. लेकिन जो कंपोजिशन है, जो जो मेन पैटर्न है वो एक ही है, नर्व नेट. ठीक है, फ्रॉम सीन आइडियन टू आर्थ्रोपोड्स. ठीक है, अर्थवर्म में भी वही है, काइनोडर्म्स में भी वही है. ठीक है, एनिलिड्स में भी वही है, प्लेटीहेलमिंथस में भी वही है, और आर्थ्रोपोड्स में भी वही है. लेकिन आर्थ्रोपोड में एज कम्पेयर टू बाकी जो पीछे हमने पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा डिवेल्प है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है. ठीक है, टू और थ्री सेपरेट बट क्लोजली कनेक्टेड डॉर्सल गैंग्लिया जिसको ब्रेन कंसीडर किया जाता है आर लोकेटेड इन द इंटीरियर हेड रीजन. द वेंट्रल नर्व कॉर्ड मे बी सिंगल और डबल विद द सेगमेंटेड गैंग्लिया. अब इनमें जो गैंग्लिया हैं वो सेगमेंटल हैं, हर सेगमेंट में अलग गैंग्लिया है. ठीक है, और वो गैंग्लिया क्या है, एज अ ब्रेन यूज हो रहे हैं. तो हर सेगमेंट का अलग से जो गैंग्लिया है, अलग से उसको हम कह सकते हैं, हर सेगमेंट में अलग से ब्रेन है. बट दिस इज नॉट अ ट्रू ब्रेन. ठीक है, ट्रू ब्रेन नहीं है बल्कि मैस ऑफ नर्व्स है. ठीक है, जिसको हम जब मैस ऑफ नर्व है जब इकट्ठा हो जाती है, नर्व्स एक गुच्छा बना लेती हैं, तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं. ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स भी हम उन गैंग्लिया को, ये गैंग्लियॉन्स को ब्रेन कंसिडर करते हैं. और ये आपस में सेगमेंट जो है एक दूसरे के साथ नर्व कॉर्ड के साथ जुड़े हुए हैं. सेंसरी रिसेप्टर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड वेल डेवलप्ड. मोस्ट आर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन व्हिच कुड अदरवाइज ब्लॉक ऑल द सेंसरी इनपुट. एक्सटेंशन ऑफ क्यूटिकल फंक्शन एज टैक्टाइल एंड केमिकल रिसेप्टर. स्टेटोसाइट्स होते हैं और साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस साउंड को भी सेंस करते हैं. ठीक है, देख भी सकते हैं कि क्यूटिकल जो है वो टच के या टैक्टाइल या केमिकल रिसेप्टर होते हैं, उस पर टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं, मतलब टच के वो टच को सेंस कर सकती है. कोई उनको ऊपर आके चीज़ बैठ रही है, कोई इंसेक्ट दूसरा आके उनके साथ टच हो रहा है, या विंड आ रही है, या पोलन आने के साथ उनकी बॉडी के साथ अटैच हुए हैं, तो उसको सेंस कर सकते हैं. टैक्टाइल ऑर्गन्स भी हैं जो कि क्यूटिकल की मॉडिफिकेशन है. इनमें साउंड को भी सेंस करने की साउंड को भी सेंस कर सकते हैं, वीएन को भी वीएन का भी सेंस कर सकते हैं. ठीक है, आर्थ्रोपोड आईज मे बी सिंपल ऑसिलाई विद और विदाउट द लेंथ और कंपाउंड. इनकी सिंपल आई होती है कुछ की, और कुछ की कंपाउंड होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स हैव कंपाउंड आई. ठीक है, सम इंसेक्ट हैव एज मैनी एज 3000 ओमिडिया. ओमटीडिया कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स को. ठीक, फोटो रिसेप्टर मतलब कलर्स को ये बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेती हैं, वो जल्दी से कलर को सेंस करती हैं. ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे फ्लावर जिनकी पेटल्स जो हैं वो कलर्ड होगी, वहाँ पे जाके इंसेक्ट ज़्यादा बैठेंगे, क्योंकि वो इनकी जो आईज हैं वो उसमें 3000 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत दूर से सेंस कर लेते हैं, वीएन कर लेते हैं, देख लेते हैं किसी भी कलरफुल चीज़ को. तो वहाँ जाके ज़्यादा बैठेंगी, जो चीज़ कलरफुल है, जिस रोज़ की पेटल कलरफुल है या वैसे है कलरफुल कोई चीज़ है, वहाँ जाके ज़्यादा बैठती हैं इन आर्थ्रोपोड्स. Most species have either light or dark adopted eyes and lack the ability to adjust their vision to different light. कुछ species insects की या arthropods की ऐसी भी हैं जिनमें light और जिसमें ये जो photoreceptors हैं वो नहीं होते, तो वो light और darkness में difference नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो तेज light, ठीक है, डार्क कलर और लाइट कलर में डिफरेंस नहीं कर सकते. ये एक नर्वस सिस्टम की डायग्राम दिखाई हुई है ग्रास ऊपर की. ग्रास ऊपर भी जो है वो आर्थ्रोपोड की कैटेगरी में आता है. तो हमने जिस तरह बात की कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सेगमेंटेड होता है. ठीक है, इनमें ये गैंग्लिया हैं. ठीक, हर सेगमेंट के अंदर गैंग्लिया हैं. ये इनका थॉरेक्स का रीजन है. ठीक, थोरेक्स वो रीजन होता है जहाँ से इनकी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स निकलते हैं. ठीक, तो ये इनके इसके थोरेक्स के सेगमेंट हैं, और हर सेगमेंट में गैंग्लिया जो है वो सेपरेट है. तो ये जो गैंग्लिया हैं एज अ ब्रेन यूज हो रहे हैं, और ये गैंग्लिया हर सेगमेंट के आपस में नर्व इम्पल्स के या नर्व कॉर्ड के थ्रू, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है.
तो दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कल लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ये बहुत सिंपल सी बातें हैं। एक एक ही जो फंक्शन है, एक ही पैटर्न तमाम जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं सब में एक ही पैटर्न चल रहा है। सब में जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट लाइक है, ठीक है, वही लैडर लाइक क्रॉस कनेक्शन है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे जैसे उनमें जो एडवांस ऑर्गेनिज्म आते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनमें एडवांसमेंट आती जा रही है फाइलम्स में, ठीक है, वैसे वैसे उनमें गैंग्लिया मैस और ब्रेन और वेंट्रल कॉर्ड्स वगैरह ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे एंड में जो हमने आर्थ्रोपोड्स पढ़े, पहले हमने नर्व नेट देखा, ठीक है, सिंपल नर्व नेट, ठीक। उसके बाद फिर हमने गैंग्लिया की बात की, फिर हमने गैंग्लिया प्लस वेंट्रल नर्व कॉर्ड की बात की, फिर हमने गैंग्लिया प्लस नर्व कॉर्ड और डॉर्सल नर्व कॉर्ड की बात की, और एंड में हमने आर्थ्रोपोड्स में देखा कि हर सेगमेंट में अलग अलग गैंग्लिया है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये डेवलपमेंट है, मॉडिफिकेशन है इन वर्टिब्रेट्स की फ्रॉम स्टार्ट टू, जैसे जैसे उनका ऑर्डर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे ऑर्डर चेंज होता है, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन आती है, ऐसे ऐसे उन ऑर्गेनिजम्स में, उन इनवर्टिब्रेट्स में भी, ब्रेन में उनके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन आती है, एडवांसमेंट आती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।